दिवाली वाली रात पंजाब कैडर के एक सीनियर अधिकारी के घर के उत्ते गोली चली। जी हाँ, यह घटना चंडीगढ़ के सैक्टर 24 के विच रहने वाले सीनियर IAS अफसर बरिंदर कुमार शर्मा के घर हुई, जदों वह अपने परिवार समेत अपनी सरकारी कोठी के विच उस समय दिवाली का त्यौहार मना रहे थे। तो उस समय कुछ हमलावरों के वलों उन्होंने घर के वल फायरिंग की गई। हालांकि उस दे विच कोई नुकसान जिहड़ा नहीं होया, पर पंजाब के सीनियर अधिकारी के उत्ते अजिही फायरिंग होनी जिहड़ी है उसनू काफ़ी चिंता का विषय मनिया जा रहा है। पंजाब पुलिस अते चंडीगढ़ पुलिस जिहड़ी इस मामले की जिहड़ी आ घोख कर रही है, पर पंजाब के ही सीनियर अधिकारी जो कि IAS अफसर ने उन्हां दे घर के उत्ते अजिहा हमला होना बेहद चिंता का विषय मनिया जा रहा है। दसा जा रहा है कि घटना के समय बरिंदर कुमार शर्मा अपने घर के विच स्थित सी, जिहड़ी फायरिंग जिहड़ी आ उन्होंने घर के वालों की गई, तो उन्हां दी घर की एक खिड़की दे विच जिहड़ी है एक गोली लगी है। बरिंदर कुमार शर्मा दे वल्लों रात करीब 11 तो 12 बजे के दरमियान चंडीगढ़ पुलिस नूं इसकी सूचना दी गई, जिस तों बाद लगातार चंडीगढ़ पुलिस उन्हां बदमाशां दा जिन्हां दे वल्लों इह गोली चलाई गई उन्हां दी पैड़ नप्पण दी कोशिश कर रही है कि वह व्यक्ति कौन सी, पर बचा इस दे विच काफ़ी रहा। हालांकि दसिया जा रहा है कि बरिंदर कुमार शर्मा जिहड़े ने अपने परिवार समेत दिवाली की पूजा करन तों बाद घर के अंदर मौजूद सी, जिहड़ा उन्हां दी खिड़की दे उत्ते जो कि पलाई दे नाल बंद की हुई दसी जा रही है, उस दे उत्ते गोलियां लगियां ने। पर चिंता का विषय इसनूं इस करके मनिया जा रहा है क्योंकि पंजाब पुलिस के ही अधिकारी दे उत्ते अजिहा हमला होना काफ़ी चिंता इस करके है क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा नूं लैके भी वड्डे लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पंजाब दे विच खड़े हो रहे हैं। हुण पंजाब पुलिस के ही सीनियर IAS अधिकारी दे घर दे उत्ते जिहड़ा अजिहा हमला होना उसनूं बेहद मंदभागा मनिया जा रहा है।